हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे क्लास 11 मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर फर्स्ट फिफ्थ। देन क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इवेलुएट। क्या इवेलुएट करना है हमें, इसको पूरा सॉल्व करके इसको हमें ए प्लस आई बी यानी जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में क्या करेंगे कि इवेलुएट हमें करना है, तो सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर क्या है, आई की पावर 18 प्लस वन अपान में आई पूरे की पावर 25 एंड पूरे की पावर क्यूब है यानी पावर 3 है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना ध्यान से। जैसे 18 है, अगर इवन है या कोई भी नंबर हो तो हमें क्या करना होता है, यहां पर आई को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आई स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर यानी 2, तो 2 से हम क्या करेंगे 18 को डिवाइड करेंगे, तो 2 9 जा 18, राइट। तो 9 आ गया, तो पावर हम 9 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लस 1 अपान में आई, अब आई की पावर कितना आएगा 25, राइट। अच्छा 25, अब पूरे की पावर क्या है यहां पर क्यूब, तो नोट कर लेंगे। अच्छा, अब आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, क्या होती है -1 और पावर 9 प्लस। अच्छा, अब 25 इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 5 को नोट करेंगे हम, तो 2 2 जा 4 यानी 12 पे गई बात। ये देखो ध्यान देना कि ये जो 12 आया इसको हम आई की स्क्वायर की पावर 12 लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 और प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 प्लस 1 ये हो जाएगा 25। मीन्स ये जो प्लस 1 है इसको हम आई करके अलग से लिख सकते हैं क्योंकि आई की पावर 1 और ये 12 2 जा 24, तो 24 और 1 मिलकर के 25 हो जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर देंगे पूरा ब्रैकेट और पावर का 3 उतार लेंगे। अब आगे क्या करना हमें, -1 की पावर 9, तो चूंकि ऑड है पावर, देन आंसर किसमें आएगा हमारा -1 में, ठीक है। प्लस यहां पे 1 अपॉन में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अब पावर क्या है 12 यानी इवन है और इनटू आई है, अब पावर का 3 हम साथ में उतार लेंगे। अब क्या करेंगे हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, -1 प्लस 1 अपॉन में -1 की पावर क्या है इवन है, देन इसका आंसर क्या मिलेगा हमें प्लस में यानी 1 आ जाएगा, और जो इनटू आई है तो अपॉन में आई में हम नहीं कभी छोड़ते हैं, देन क्या करेंगे हम आई का रेशनलाइज करने के लिए आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे क्या कर लेंगे हम आई से मल्टीप्लाई, फिर क्या आ जाएगा हमारा आगे -1 प्लस यहाँ पे आई अपान में आई स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई स्क्वायर मिल जाएगा, अब पूरे की पावर क्यूब, पूरे की पावर क्यूब। देन आगे क्या करेंगे हम ये -1 एंड प्लस यहाँ पे 1 बचा, क्या आई है, हाँ आई है, तो ये हो जाएगा आई अपान में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और पूरे की पावर क्यूब, पूरे की पावर क्या है क्यूब। अच्छा, फिर क्या करेंगे अब आगे नोट कर लो, तो -1 -1 और ये देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा माइनस आई हो जाएगा, अब पूरे की पावर क्यूब, या फिर ऐसे कर लो इसको, ये जो प्लस है प्लस को रहने दो ऐसे ही सेम, और ये क्या आ जाएगा माइनस का ऊपर करके माइनस आई कर लो, जिससे कि हम क्या कर सके इसको अलग ब्रैकेट में डाल दो, इसको क्या कर लो अलग ब्रैकेट में, जिससे कि हमें ए प्लस आई क्या होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² देखो यहाँ पे माइनस आ रहा था तो हम माइनस का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने देखा यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस,
देन हमने सोचा कि यहाँ पे प्लस के फॉर्मूले के रूप में चेंज कर दें तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब वही है, सोच लो ए प्लस आई बी का होल क्यूब है तो क्या आ जाएगा, पहले ए क्यूब यानी माइनस वन का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी मीन्स क्या, माइनस आई का क्यूब, एंड अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और आगे प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए यानी माइनस वन का स्क्वायर इंटू बी कितना है, माइनस आई है, माइनस आई है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, बी कितना आएगा, माइनस आई का स्क्वायर, ध्यान देना ये है क्या हमारा ए है ये बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब कितनी, माइनस आई है, और प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अच्छा नाउ अगेन क्या हो जाएगा, माइनस की पावर ऑड है, देन आंसर किसमें मिलेगा हमें, माइनस में, प्लस माइनस आए का क्यूब है तो माइनस का क्यूब क्या ऑड है, देन आएगा हमारा आंसर माइनस में। अच्छा माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस आई, अच्छा वह जो माइनस आएगा, देखो तो माइनस का क्यूब माइनस, प्लस माइनस कर लेंगे हम यहाँ पर, और आए का क्यूब क्यूब बच जाएगा, क्या बच जाएगा, अब ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, तो उस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का आई है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस थ्री आई इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर वन, और ये प्लस माइनस, माइनस थ्री माइनस आई का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, वन, नहीं माइनस का स्क्वायर प्लस, और चूंकि आई स्क्वायर है तो ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा नाउ अगेन माइनस वन, तो माइनस आई का क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं, हम माइनस आई स्क्वायर कर लेंगे एंड इंटू आई कर लेंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन इंटू आई, देन क्या मिलेगा हमें, माइनस आई, यानी आई क्यूब की वैल्यू होगी हमारी माइनस आई, और माइनस थ्री वन जा थ्री आई, माइनस थ्री आई का स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, माइनस वन। अच्छा नाउ अगेन माइनस वन, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आई, माइनस थ्री आई, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस थ्री, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, देखो इसमें रियल नंबर क्या होते हैं, जिसके साथ में आई नहीं होता है, तो ये और ये रियल नंबर है, तो इनको हम एक साथ करके हम सॉल्व कर लें, क्या है माइनस वन और प्लस थ्री, एक साथ रियल नंबर कर लो और ये एक साथ कर लो, आई माइनस थ्री आई कितना आ जाएगा, माइनस का टू आई, देन क्या आ जाएगा, प्लस टू एंड माइनस टू आई, क्या आ गया, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी के हो गया, देन यार क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाहो तो इसको मान सकते थे जेड इक्वल टू करके पूरा सॉल्व करके, क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस आई बी, ये टू लिखा है ध्यान रखना, क्या हो जाएगा टू, और ये प्लस माइनस माइनस टू आई, ठीक है नोट कर लो। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है रियल, आर ई का मतलब क्या होता है रियल, रियल जेड वन जेड टू इक्वल टू रियल जेड वन इंटू रियल जेड टू माइनस इमेजिनरी जेड वन इंटू इमेजिनरी जेड टू, ये हमें प्रूव करना है, यानी ये है हमें प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले जेड वन और जेड टू को लेट करना पड़ेगा, क्या जेड वन इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई राइट, एंड जेड टू इक्वल टू, अच्छा जेड वन है तो एक्स वन प्लस आई वाई वन, और ये हो जाएगा टू के लिए एक्स टू प्लस आई वाई टू, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि रियल जेड वन जेड टू यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमें लेकर के सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल हमें लाना होगा, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ये क्या लाना हमें जेड वन इंटू जेड टू, तो क्या कर लेंगे हम जेड वन इंटू जेड टू कर लेंगे, यानी अगर हम इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं सेकेंड, यानी हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड करने पे, यानी डूइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या है अब यहाँ पर इक्वल टू, क्या है इसकी वैल्यू एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई वाई टू, ठीक है
अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे, एक्स वन का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे एक्स टू प्लस आई वाई टू में, प्लस आई वाई वन का मल्टीप्लाई पूरे में करना हमें एक्स टू प्लस आई वाई टू में, ठीक है। क्या मिलेगा हमें ध्यान देना, एक्स वन का एक्स टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन एक्स टू, प्लस एक्स वन का आई में करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स वन वाई टू प्लस, अच्छा इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब इसका करेंगे आई वाई वन का मल्टीप्लाई, तो आई वाई वन एक्स टू, और फिर आई के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर इंटू वाई वन का वाई टू में करेंगे, देन वाई वन वाई टू एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नाउ अगेन, अब क्या होगा सॉल्व करने पे, देखो एक्स वन एक्स टू प्लस इन दोनों में से आई, देखो आई आई दोनों जगह है, यहाँ पे आई स्क्वायर है, ये तो हम क्या कर लेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा रियल पार्ट, देखो जिसके साथ में आई अब यहाँ से गायब हो गया इसलिए रियल पार्ट हो गया, और ये दोनों क्या मिल गया हमें इमेजिनरी, देन यहाँ करके आ जाएगा हमारा आई एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन एक्स टू, ये इन दोनों में से हमने आई को कॉमन ले लिया और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हमने पुट कर लिया। अब ये रियल हो गया और ये रियल हो गया, तो दोनों रियल को हम क्या कर लेंगे एक साथ लिखेंगे एक्स वन एक्स टू, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे वाई वन वाई टू, समझ आई बात, देखो प्लस माइनस माइनस, और ये जो रियल है पूरे को हम पहले लिख लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम बाद में लिख लेंगे, प्लस आई करके एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन एक्स टू को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करना हमें, ये हो गया हमारा क्या रियल पार्ट, ये पूरा हो गया रियल पार्ट, तो अब क्या है कि ये तो जेड वन इंटू जेड टू की वैल्यू आई है, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे रियल, क्या निकालना हमें रियल जेड वन जेड टू, तो हम क्या करेंगे हम अप्लाई दैट रियल जेड वन जेड टू, तो जब हम केवल रियल लेना हमें तो यहां से क्या हो रियल को लेंगे हम, रियल क्या ले लेंगे हम एक्स वन एक्स टू, और अच्छा जब रियल तो यहाँ पे रियल लेने की जरूरत नहीं है, ये रियल ऑलरेडी है, ये रियल ऑलरेडी है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, तो हम क्या करेंगे रियल वाले को पहले लिख लेंगे एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, ठीक है ये रियल पार्ट है। अब ये देखो और बताओ हमें कि जो एक्स वन है ये जेड वन का रियल पार्ट है या नहीं है, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये है हमारा एक्स वन किसका होगा, ये जेड वन का रियल पार्ट है, तो रियल जेड वन है कि नहीं एक्स वन, अच्छा एक्स टू क्या है, ये जेड टू का रियल पार्ट है, जेड टू का रियल पार्ट है, यहाँ पे हम इंटू करके लिख लेंगे रियल जेड टू, और ये जो माइनस है ये हम यहाँ पे उतार लेंगे। अभी जो वाई वन है, वाई वन क्या है इमेजिनरी पार्ट है इसका जेड वन का, तो इमेजिनरी पार्ट तो है और किसका आएगा जेड वन का, तो इमेजिनरी पार्ट है तो आई कर ले लो, इमेजिनरी पार्ट किसका है जेड वन का, इंटू वाई टू क्या है वाई टू जेड टू का इमेजिनरी पार्ट है, जेड टू का क्या है इमेजिनरी पार्ट है वाई टू यानी जेड टू का, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था, देखो रियल क्या लाना था जेड वन जेड टू इक्वल टू दिए लाना था हमें प्रूफ, तो जब प्रूफ हो जाता है तो इसको हमें क्या करना चाहिए एक बॉक्स में क्लोज कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए एक बॉक्स में क्लोज करके लिखना चाहिए जिससे कि इफेक्टिव लगे, हैंस प्रूफ लास्ट में क्या लिखेंगे हम हैंस प्रूफ, नोट कर लो। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और हमारे आप 9th 10th 11th 12th एंड बीकॉम सेकेंड ईयर मैथ्स की ऑनर्स की क्लास आप और हमारे ट्यूब पर हिस्ट्री चैनल पर आप देख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करना है रिड्यूस वन अपान में वन माइनस फोर आई माइनस टू अपान में वन प्लस आई इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में है थ्री माइनस फोर आई अपान में फाइव प्लस आई टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स वही होता है कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमें चेंज करना है, यानी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के रूप में हमें लिखना है, तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं सीधे,
सोल्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, देखो सबसे सिंपल तरीका यह है कि जो भी यहां पर अपॉन में इमेजिनरी पार्ट है यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको तुरंत रेशनलाइज हम कर लेंगे, वन अपॉन में वन माइनस जो फोर आई है इसके कांजुगेट से यानी वन प्लस फोर आई से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और माइनस का कितना आएगा टू अपॉन में वन प्लस आई, पहले एलसीएम मत लेना नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, देन क्या करेंगे हम वन प्लस आई वन माइनस आई एंड वन माइनस आई से हम क्या कर लेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, और करने के बाद क्या है हमारा यहाँ पर सेकेंड हम करेंगे इनटू क्या है यहाँ पर भी है थ्री माइनस फोर आई अपॉन में फाइव प्लस आई फाइव माइनस आई यानी जितने भी हैं सबका हम क्या कर लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे नीचे वाले इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पे प्लस है तो देन इसके साइन माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस करके ऊपर नीचे करेंगे, ये माइनस का तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करता है इक्वल टू वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा वन प्लस फोर आई अपॉन में ये क्या फार्मूला मिलेगा ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या था फार्मूला सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी आइडेंटिटी होती है उसको हमेशा एक ब्रैकेट में बॉक्स में क्लोज कर देना चाहिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर वन का स्क्वायर माइनस फोर आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो माइनस है उतार लेंगे और टू को ऐसे ही अभी रहने देंगे, वन माइनस आई को रहने देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर मिलेगा तो अभी आई का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन प्लस वन मिलकर टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे ही हम टू को रहने देंगे ब्रैकेट के बाहर ही। और आगे क्या मिला यहाँ पर इनटू थ्री माइनस फोर आई, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो कैसे करेंगे हम थ्री का मल्टीप्लाई फाइव माइनस आई में करना है एंड माइनस फोर आई का मल्टीप्लाई दोबारा से फाइव माइनस आई में करना है और अपान में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम वन प्लस फोर आई को सेम उतारना है, वन का स्क्वायर वन माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन आई का स्क्वायर अलग हम लिख लेंगे इनटू में करके माइनस टू ब्रैकेट में वन माइनस आई अपॉन में वन का स्क्वायर क्या होता है वन माइनस आई का स्क्वायर होता है माइनस वन, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा हमारा ब्रैकेट। और यहां पर क्या मिलेगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस थ्री आई और माइनस कितना मिल जाएगा यहाँ पर फोर फाइव जा ट्वेंटी आई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस फोर आई का स्क्वायर प्लस फोर आई का स्क्वायर आ जाएगा, देन क्या होगा अब हमारा अब पूरे व्यापार में कितना आएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस आई का स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, राइट। नाउ अगेन अब क्या आएगा ये वन प्लस फोर आई अपॉन में वन माइनस सिक्सटीन इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, इस माइनस वन का मल्टीप्लाई हम करते हैं इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा प्लस वन, राइट। ऐसे ही यहां पे क्या आ जाएगा माइनस टू वन माइनस आई और यहां पे क्या होगा वन माइनस माइनस का प्लस वन, राइट। नाउ अगेन यहां पे क्या आ जाएगा फिफ्टीन माइनस थ्री आई और माइनस ट्वेंटी आई, तो जो आई वाले ये दोनों हैं इन दोनों को हम ऐड कर लें तो माइनस ट्वेंटी थ्री आई हो जाएगा, मगर इस आई को क्यों नहीं ऐड किया क्योंकि स्क्वायर है तो फोर इंटू माइनस वन मिलेगा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा और पूरे का फॉर्म में क्या आएगा ट्वेंटी फाइव और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वन। अब हमें इसका एलसीएम ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे एलसीएम, अगले स्टेप में ले लेंगे वन प्लस फोर आई अपान में सेवनटीन माइनस टू वन माइनस आई अपान में टू, ठीक है। अब हो जाएगा क्या यहाँ पर ट्वेंटी फाइव और ये जो फिफ्टीन है फिफ्टीन माइनस फोर प्लस माइनस माइनस, तो रियल नंबर को हम एक साथ ले लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है कितना आएगा माइनस ट्वेंटी थ्री आई उसको हम अलग रखेंगे और ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स,
कितना आ जाएगा 26। अच्छा अब क्या है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले लें डायरेक्ट, क्या मिल जाएगा हमें एलसीएम 17। तो ऊपर क्या मिलेगा, 17 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4i माइनस, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 17 को 17 आएगा, 17 का मल्टीप्लाई करना है अभी इसमें 1 - i में, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। और यहाँ पर क्या मिला 15 - 4, ये मिलेगा 11 माइनस कितना आएगा 23i अपॉन में 26, इसको हम साथ में नोट कर लेंगे। अब ये सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा सॉल्व करने पे, क्या आएगा 1 + 4i - 17 है तो इक्वल टू 1 + 4i और माइनस, देखो 17 - 17 एंड माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +17i हो जाएगा, क्या आ जाएगा +17i। अब पूरे कंपाउंड में कितना आएगा 17, तो उतार लेंगे, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें 11 - 23। तो अब यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट दे रहे थे हम स्मॉल ब्रैकेट हम दे सकते हैं अब, तो ये हो जाएगा 11 - 23i अपॉन में 26, कितना आएगा 26। अच्छा अब इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा सॉल्व करने पे, पहले रियल नंबर को सॉल्व कर लो, -16 आ जाएगा, और ये प्लस का 4i प्लस का कितना जाएगा 23i, 23 नहीं 21i होगा, क्यों, क्योंकि 17 + 4 कितना था 21i और अपॉन में पूरा कितना आएगा 17, ये कितना है अपॉन इनटू 11 - 23i और अपॉन में 26। देन क्या करना है, अब हमें फिर वही काम करना है, ऊपर क्या अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया तो ऊपर के ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है सिंपल फॉर्म में, तो -16 का मल्टीप्लाई करना है 11 - 23i में और +21i का मल्टीप्लाई करना हमें 11 - 23i में, अब पूरे का फॉर्म में क्या हो जाएगा 17 × 26। अब हम कर लेंगे सॉल्व, -16 का 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 6 = 66, 11 × 1 = 11 और 6 कितना आ जाएगा 17, अब माइनस का आएगा, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, अब 16 का 23 में मल्टीप्लाई कर लो तो 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32 एंड 4 कितना आ जाएगा 36, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और साथ में आई आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा आ जाएगा, देख लो 16 × 3 = 48 4 हासिल एंड 16 × 2 = 32 और 4 = 36 राइट। अच्छा ये प्लस कितना जाएगा 21 है ये, तो 21 का 11 में मल्टीप्लाई कर लो कितना जाएगा 11 × 1 = 11 11 × 2 = 22 और 1 = 23, ये हो जाएगा, साथ में आई भी आएगा, साथ में आई आएगा नहीं आएगा, और माइनस प्लस माइनस 21 का 23 में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कैसे करेंगे हम। देखो सिंपल तरीका ये है कि जो 1 वाली जो छोटी डिजिट होती है उसको हमेशा नीचे रखना चाहिए, 1 का मल्टीप्लाई करें 23, 2 का मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 46, ऐड कर लो 384 कितना आ जाएगा 483 और साथ में आई का आई में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर। अब पूरे कैपॉन में क्या आएगा 17 का 26 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 26 × 17 तो 7 × 6 कितना होता है 42 एंड डायरेक्ट भी कर सकते थे हम 17 करना 17 × 6 = 102 तो एक ही करके कर लो 7 × 6 कितना होता है 7 × 6 = 42 एंड 7 × 2 = 14 एंड 4 = 18 1 × 6 = 6 1 × 2 = तो जोड़ने कितना आ जाएगा 2 आएगा और 8 × 6 कितना आ जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 4 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 4 × 4 = 2 राइट। अच्छा अब क्या करेंगे हम इक्वल टू -176 और जो प्लस है ये जो का इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे
और चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इस माइनस फोर एट, देखो फोर एट थ्री इंटू माइनस वन, आई स्क्वायर वैल्यू कितनी माइनस वन, हमने रियल पार्ट को हमने एक साथ कर लिया, ठीक है। अच्छा, और ये जो प्लस दोनों को ऐड कर लो कितना आ जाएगा, वन एट नाइन थ्री सिक्स नाइन एंड फाइव, ये हो जाएगा इमेजिनरी, देखो इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे इमेजिनरी पार्ट को एक साथ हम प्लस कर लेंगे। अब पूरे डपान में कितना आएगा, फोर फोर टू। अब रियल नंबर को सॉल्व कर लेंगे हम, कितना माइनस वन सेवन सिक्स और ये जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा प्लस फोर एट थ्री और प्लस फाइव नाइन नाइन आई। अच्छा, ये जो रियल पार्ट है इसके अपॉन में अलग कर लेंगे हम 42। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, अभी पूरा रहने दो 442। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखो, ये 3 में से 6 माइनस, 13 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 नहीं 7 में से 7 माइनस करेंगे 0 बचेगा एंड 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 और प्लस 599i। अच्छा, ये जो पूरे का पॉन में है तो रियल पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इमेजरी पार्ट को अलग कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। और अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया आपने, प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।